हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जीन पियाजे, थोड़ा अजीब सा नाम है, इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। और जैसा कि आप सबको पता है, जब से यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड थियरीज थी, उनके बारे में भी अब पूछा जाने लगा है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट या कहने की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थियोरीज है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, बाय जीन पियाजे। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, पूरी डेप्थ में समझ लेते हैं कि भाई ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आखिर थ्योरी क्या है और कैसे इस टाइप के जो थ्योरीज हैं, धीरे धीरे हम वीडियोज में जानेंगे कि कैसे कैसे हम इस टाइप की थ्योरीज को जानते चलेंगे। तो आज फिलहाल इस वीडियो में हम ओवरऑल इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को बिल्कुल डेप्थ से समझने वाले हैं। तो गाइस, मेरा नाम कुमार भरत है और मैं 3 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक GRF क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर हूँ। साथ ही में जो मेरी एक्सपर्टीज है वो इसमें है कि कठिन से कठिन टॉपिक को सरल से सरल भाषा में मैं पढ़ा सकता हूँ। आई होप कि इस वीडियो में भी मैं आपको सरल से सरल भाषा में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बता पाऊंगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे इतने ट्रेनर्स आपको पढ़ाते हैं, केवल एक सब्सक्रिप्शन में ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। उसमें आपको टेस्ट सीरीजेस भी मिलेंगी और आप ये देख सकते हैं कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कोई भी आपका पेपर हो, कोई अलग अलग फीस नहीं देनी, एक ही फीस में आप जो है ये कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और उस पे आपको सेलेक्ट करना है NTA UGC नेट, अपना कैटेगरी, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, प्लान सेलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। क्या क्या प्लान्स हैं, आइए देख लेते हैं। असल में जो सब्सक्रिप्शन है वो वैलिडिटी के हिसाब से है, जिसमें सबसे किफ़ायती आपको पड़ता है 12 महीने यानी 1 साल वाला। इसमें आपकी फीस लगभग ऐसे पड़ती है ₹875 पर मंथ। और इतनी सब जो चीज़ें हैं, मतलब 47 ट्रेनर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। और ये कोड ज़रूर याद रखें, आपको ये 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा, ठीक है। तो KB10 जो है ये 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा। अप्लाई बटन दबा के आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप 24 मंथ्स का लेंगे तो ₹700 पर मंथ के हिसाब से और सस्ता ये हो जाएगा। और उससे सस्ता करना है तो KB10 ये यूज़ करें और सस्ता आपको हो जाएगा, 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन है जीन पियाजे, और उसके बाद हम बात करते हैं क्या इन्होंने प्रपोज किया है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहली बात कि ये हैं, इनकी फोटो यहाँ बनी है, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे और स्विस थे, ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है, इसीलिए इनका नाम जो है थोड़ा अजीब है, जीन पियाजे, ठीक है, और उसमें आखिरी में टी को हम लोग साइलेंट रखते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि स्टडीड चिल्ड्रेन इन अर्ली 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी, मतलब 1950 और 60 इन सब के बीच में इन्होंने चिल्ड्रेन को स्टडी करा, उनका मनोविज्ञान स्टडी करा, उन्हीं में इनका कंट्रीब्यूशन है। और प्रपोज्ड अ थ्योरी अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एक थ्योरी इन्होंने प्रपोज करी बुद्धि या बौद्धिक जो क्षमता होती है, बौद्धिक विकास जो होता है, कि कैसे विकास होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, उसी को स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहा गया, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंट्रोडक्शन था, हालांकि इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं आता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से चीजें आ सकती हैं। तो आइए वो डेवलपमेंट की स्टेजेस देख लेते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशंस अंडर जीन्स थ्योरी, क्या क्या इन्होंने चीजें प्रतिपादित की, क्या क्या इन्होंने अजम्पशंस दिए। सबसे पहला है चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज, ठीक है, ये जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बनाते हैं। आप उनको जितना भी बोल लो वो नहीं समझते हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेसिस पे उनकी लर्निंग होती चली जाती है। जैसे सपोज अगर आप
छोटा बच्चा अगर आपके घर में और आप उसको बोलो कि भाई बाहर की चीजें मत खाया करो, घर का खाया करो, तो वो आपकी बात को कम सुन के समझेगा और आप जो करते हो उससे वो ज्यादा समझेगा। अगर आप भी बाहर का खाते हो इधर उधर का, तो आपको देख के समझेगा और फिर वो छोड़ेगा नहीं अपनी आदत। ठीक है, अगर आप ही घर का ही खाते हो तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से अपना नॉलेज बनाते हैं। सेकेंड है, चिल्ड्रन लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन जो है वो खुद सीखते हैं, ऊपर वाली ही बात है, अपने अनुभव से। पेरेंट्स या जो बड़े बच्चे हैं उनके सामने उसके कहने पे, ठीक है, उनका कोई इन्फ्लुएंस उन पे नहीं होता है। ठीक है, अपने हिसाब से ही वो सीख जाते हैं। जैसे भाषा है तो बोलने का वो किसी के संगत में नहीं सीखते, बोलना वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ठीक है, जो भी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपने आप होता है, उनमें किसी का कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय नेचर। तो हमेशा आप ये बात ध्यान दें कि जो बच्चे होते हैं अगर उनको जबरदस्ती की चीजें ना समझाई जाए, जैसे पढ़ाई वगैरह है, तो आप देखते हैं कि वो चीज़ों को अपने आप सीखते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर घर पर कोई छोटा बच्चा हो, कभी कभी हमें लगता है कि इसको ये कैसे चीज़ पता चल गई, ये मतलब ऐसे कैसे बोलना सीख गया, क्योंकि वो अपने हिसाब से उनका नेचर है सीखने का। क्योंकि जो देखिए जो छोटा ह्यूमन बीइंग है वो सीखने के लिए बना है, और जो बड़ा ह्यूमन बीइंग है जो सीख लिया है, जो मतलब बूढ़ा ह्यूमन बीइंग है जो सीख लिया है, उसे लोगों को बताने के लिए बना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे है। तो जो छोटा बच्चा बना ही सीखने के लिए है, तो इसका मतलब वो मोटिवेशन उसके अंदर ऑलरेडी है सीखने का, और वो इसलिए सीखता चला जाता है, बहुत तेज हो जाता है कुछ ही समय में। और दे डू नॉट नीड रिवार्ड्स एज मोटिवेशन। ठीक है, तो उसको कोई रिवार्ड नहीं देना कि बेटा आप फास्ट बोलना सीख जाओ तो हम आपको रिवार्ड देंगे। वो हो ही जाता है बहुत तेज बोलने में, बहुत ही जल्दी हम उसको बिना स्कूल भेजे हुए, अगर कोई स्कूल नहीं भी जाता तो भी वो अपने हिसाब से हो जाता है। तो जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो भी नेचुरल डेवलपमेंट है, उसके लिए उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो प्रोग्राम्ड है उस तरीके से ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या चार स्टेजेस हैं जिसके बारे में जीन पियाजे ने हमें बताया है। चार यहाँ पे स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। इनकी अपने अपनी एजेस यहाँ पे लिखी हैं, किस एज में बच्चा सेंसरी मोटर में होता है, किस एज में प्री ऑपरेशन पे होता है, इसको हम लाइन बाय लाइन देखते और कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर मतलब एकदम छोटा बच्चा है, ठीक है, 18 से 24 महीने का। तो उसकी लर्निंग जो होती है सबसे पहले तो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसका गोल होता है। मतलब जो चीजें सामने हैं, फिजिकल चीजें, उसको समझना सबसे पहला गोल है। जैसे सपोज छोटा बच्चा एक पैदा हुआ है, उसके सामने एक टीवी चल रही है, तो टीवी में नहीं समझ पाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि टीवी चलती है सपाट, लर्निंग उसकी होनी है थ्री डिमेंशन में। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो टीवी देख के समझने लगता है कि हाँ ये गिर गया, ये उठ गया, ये रो रहा है, ये हंस रहा है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, मतलब चीजें समझना कि 3D वर्ल्ड में, इस थ्री डिमेंशन में, ठीक है, क्या चीज क्या है, कुर्सी क्या है, लोग क्या हैं, लोगों की शक्लें समझना, ये पहला उसका काम है। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सिंबल्स। मोटर एक्टिविटी मतलब क्या, मोटर मतलब वो मोटर नहीं जो पानी को पंप करता है, मोटर एक्टिविटी मतलब हाथ पैर चलना, ठीक है, हाथ पैर के मूवमेंट्स। तो मोटर एक्टिविटी को समझने लगता है, खुद भी वो थोड़ी करने लगता है। इसके अलावा ऑल थिंग्स लर्न्ड आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, सब कुछ अनुभव के बेसिस पे, कुछ भी अभी उसको सिखाया नहीं गया है, ठीक है। और ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मतलब होता है जब हमें कुछ करने नहीं आता है, हम एक चीज़ करते हैं विफल होते हैं, फिर हमें कुछ समझ में आता है, नहीं नहीं ये चीज़ गलत कर दी थी, फिर दूसरी चीज़ करते हैं फिर विफल होते हैं, फिर हमें और आगे समझ में आता है, करते करते हमको चीज़ें समझ में आती हैं। तो करा गलत हुआ, खुद ही की गलतियों से सीखते जाना ट्रायल एंड एरर होता है। तो ये चीज़ें कर करके वो खुद को डेवलप करता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, ये होता है आपका 2 से 7 साल का जब होता है। क्या है प्री ऑपरेशनल, इसका गोल क्या है, सिंबॉलिक थॉट। मतलब अभी क्या था कि अभी वो 3D की चीजों को समझ रहा था, अभी ये क्या है, सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट मतलब कि अब चिन्हों को समझने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा डेवलप होती है 2 से 7 साल के अंदर, और भाषा भी अपने आप में चिन्ह है किसी चीज का। जैसे रोना,
ठीक है, तो रोना शब्द ये चिन्ह है किसका, असली में जो रोना होता है उसका, ठीक है। तो भाषा का डेवलपमेंट मतलब कि अब सिंबल्स सीखने लगा है, मेमोरी में कुछ बनता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा जो होता है, आप कभी भी देखना कि अगर छोटे बच्चे से आप लड़ाई कर लो, वो 2 घंटे में फिर आपका दोस्त हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी डेवलप नहीं होती है। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है, वो कुछ दिन तक याद रखता है, उतनी नहीं होती है, कुछ दिन तक याद रखता है, फिर वो फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मेमोरी बन जाती है, वो याद एक दिन तो याद रखेगा कि हाँ आपसे बात नहीं करनी है, फिर परसों तरसों तक भूल जाएगा। और जो आदमी बड़ा हो जाता है वो भी भूल जाता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो एक एक घंटे में ही भूल जाता है, ठीक है। एंड इमेजिनेशन, अब कल्पनाएं दिमाग में आने लगी हैं 2 से 7 साल की है, जो प्री ऑपरेशनल होती है। और इंटेलिजेंस इज बोथ ईगोसेंट्रिक एंड इंट्यूटिव। ईगोसेंट्रिक का मतलब यह है कि जो बढ़ता बच्चा होता है जैसे इस स्टेज पे, वो ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब उसको अपने खुद अपने से ही मतलब होता है उसको केवल, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि अगर यू नो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोज़ कुछ खाना खा रहा है वो और आपको ज़रूरत है, या आप बोलो कि दे दो तो नहीं देता है। हम लोग से अगर कोई मांगे, अगर जैसे कोई हमारा फ्रेंड मांगे, तो हम लोग दे देते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हारा ख़त्म हो गया तुम भी ले लो। वो छोटा बच्चा ये थोड़ा ईगो सेंट्रिक होता है कि नहीं मैं ही खाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सेल्फिश होता है। तो ये ईगो सेंट्रिसिटी है जो कि देखने को हमें प्री ऑपरेशनल में मिलती है। इसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है उसका जो मेन गोल है वो है ऑपरेशनल थॉट, मतलब काम की सोच अब उसको डेवलप करनी है। तो अभी क्या है कि मोर लॉजिकल एंड मैथडोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स, और ज़्यादा जो सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला भाषा है, फिर गणित भी थोड़ी सीख जाता है, तो सिंबल्स को मैनिपुलेट करना, ठीक है, वो समझ जाता है। इसके अलावा लेस इगोसेंट्रिक, अब थोड़ा सा स्वार्थी और अपने बारे में सोचने वाला कम हो जाता है। एंड मोर अवेयर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, अब खुद के बारे में, पहले क्या था कि वो उसको अपने से मतलब रहता है, अब क्या है कि वो अब बाहर भी चीज़ें देखने लगा है, भाई क्या हो रही है, क्या मतलब मैं ही एक नहीं हूँ दुनिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बाहर एक्सप्लोर करने लगता है। छोटा बच्चा होता है उसको अपने से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता, ठीक है। और फाइनली आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसका कि मतलब है एडोलसेंट टू अडल्टहुड, जो जब बड़ा हो गया बच्चा तो फिर ये चलता है। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, मतलब जो गूढ़ बातें हैं, जो क्लियर कट बातें नहीं हैं, तो अंदर के जो थॉट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, माइंड में जो हम खिचड़ी पकाते हैं कि प्लान्स वगैरह, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब ये इन चीज़ों पे वो आ जाता है। और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूज ऑफ सिंबल्स टू रिलेट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अब सिंबल्स वगैरह का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी करने लगा है, मतलब कि पहले जो बच्चा होता है उसको कॉन्क्रीट चीज़ें पता होती हैं, नाम है ना यहाँ पे कॉन्क्रीट, ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट मतलब क्या कि खाना पानी चाहिए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तब कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल नियत चीज़ें हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब है कि अब वो फीलिंग्स की बात करने लगा है, कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में जो चीज़ें होती हैं उनकी बात करने लगा है, तो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करने लगा है। एबल टू मेक हाइपोथेसिस, ग्रैस्प एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, हाइपोथेसिस बनाने लगा है। हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि जैसे होती है ना हमारी अपनी लर्निंग्स होती हैं, कि जैसे मेरा कोई अच्छा दोस्त था, उसने मुझे बोला कि यार पैसों की बड़ी ज़रूरत है, मैं लौटा दूंगा, मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, आया ही नहीं कभी। फिर सपोज़ दूसरा दोस्त बना, उसने बोला पैसों की ज़रूरत है, मैंने उसको दे दिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो गायब हो गया। इस तरीके से तीसरा सा दोस्त बना, तो मैं एक कंसेप्ट अपने माइंड में बना लूँगा कि भाई अगर तुम्हारा दोस्त कभी तुमसे पैसे मांगता है तो तुम्हें कभी ज़रूरत पे वो मिलेंगे नहीं। तो ये हाइपोथेसिस है, हम अपनी लाइफ में ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं, चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, जो बार बार होती हैं उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन अकरेंस क्या हो रही है, वो हाइपोथेसिस हमारी बन जाती है, वही उसी पे हम अपना आगे के निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशन में क्या है, एडोलसेंस से अडल्टहुड तक हम इस तरीके से अपने लाइफ को चलाते हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अब एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है। तो पहले क्या था,
ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब ऑब्जेक्ट देखना चाहिए, फिर क्या था सिंबॉलिक थॉट, थोड़े सिंबल्स समझ में आने लगे, देन हो गया ऑपरेशनल थॉट यानी कि उन सिंबल्स का हम यूज़ करने लगे, एंड देन फाइनली अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी हमारा माइंड सोच सकता है। ये हैं 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो किसने बताई हमें, जीन पियाजे ने। आई होप कि आपको इसे समझ में आएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर दें, और गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए। इसके साथ KB10 ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और आज के वीडियो के लिए इतना ही है गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।